Hey guys, welcome और welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? And thank you so much for watching me again. दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू. एंड ये है ओरिफ्लेम का मिल्क एंड हनी गोल्ड नरिशिंग हैंड एंड बॉडी क्रीम. एंड दिस इज द पैकेजिंग, बेसिकली यू कैन सी ओवर हियर. एंड दोस्तों, ये 75 ग्राम का टब है और इससे बड़ा भी एक पैक आता है, वो आई थिंक 250 ग्राम का है. तो एक्चुअली मुझे ट्राई करना था, सो दैट्स वाई मैंने इसका मिनी पैक परचेज किया है. और ये स्मॉल पैक है और ये ट्रैवल के लिए बहुत ही अमेजिंग है. सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं ट्राई करके देखूँ कि कैसा प्रोडक्ट है, और अगर मुझे अच्छा लगेगा तो देन डेफिनेटली मैं इसका बिगर यू नो मटका वाला टब मैं परचेज कर लूँगी. तो दैट्स वाई मैंने यहाँ से मिनी से ही स्टार्ट किया, क्योंकि मिनी वर्जन अवेलेबल था. सो दैट्स वाई. एंड ये दोस्तों है 229 रुपीज़ का. अगर आप ओरिफ्लेम कंसल्टेंट से परचेज करते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ऑफर मिल जाता है. और मैं आपको ऑनलाइन वगैरह परचेज करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि वहाँ पे आपको यू नो फ्रॉड या फिर डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस रहते हैं. वैसे तो आपको प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे देखने को मिल जाएंगे, बट मैं उसकी गारंटी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैंने खुद वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं किया है ऑनलाइन. और मैं हमेशा एक ओरिफ्लेम कंसल्टेंट से ही परचेज करती हूँ. आई एम नॉट ओरिफ्लेम मेंबर ओवर देयर, बट मैं परचेज करती हूँ मेरी फ्रेंड से. सो दैट्स वाई ईच एंड एवरीथिंग मैंने बता दी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि आप यू नो वहाँ से परचेज ना. तो मैं ये इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरे वीडियोज़ में कमेंट किया था कि आप ओरिफ्लेम को यू नो आप रिकमेंड मत करिए. सो गाइस, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे मैं अपनी चीज़ को क्लियर कर दे रही हूँ. मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि वहाँ पे यू नो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मिलते हैं. सो दैट्स वाई मुझे ये पॉइंट यहाँ पे यू नो पॉइंट आउट करना पड़ा. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ को यू नो नोटिस किया और मैंने इस चीज़ को आपको सबसे पहले बताया है. तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस प्रोडक्ट से. और अगर आप देखना चाहते हो तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड. वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिएगा. और दोस्तों, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, समथिंग मैजिकल 09. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो दोस्तों, ये है मिल्क एंड हनी रेंज से, और इसका स्क्रब भी आता है, उसका भी मैंने रिव्यू किया है अपने चैनल पे. और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया उस प्रोडक्ट को और उस वीडियो को. सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. एंड प्लीज़ इसको बरकरार रखिएगा, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेटेड फील होता है. सो दैट्स वाई. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और मैं आपको बता दूँ, ये मिल्क एंड हनी गोल्ड की रेंज से है, और इसमें मिल्क एंड हनी दो प्रोडक्ट्स हैं जो कि इनमें यू नो कम्बाइन करके और इनके एक्सट्रैक्ट्स को लिया गया है. और इसमें ये नरिशिंग हैंड एंड बॉडी क्रीम है, एंड ये ऑर्गेनिकली सोर्स्ड एक्सट्रैक्ट्स हैं मिल्क एंड हनी से. एंड एज यू गाइस ऑलरेडी नो दैट कि मिल्क एंड हनी हमारी बॉडी के लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं. ये दोस्तों आपके हैंड एंड बॉडी के लिए यू नो पैक है ये. आपने देखा होगा बॉडी लोशन होते हैं, वो एक थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में होते हैं और यू नो पंप के साथ में आते हैं, और उनको कैरी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये काइंड ऑफ बॉडी बटर आप इसे कह सकते हो. और इसकी यू नो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होती है इन कंपैरिजन टू बॉडी लोशन. और ये कॉम्पैक्ट होते हैं, आप इन्हें कहीं पे भी ले जा सकते हो, ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं. सो दैट्स फर्स्टली मुझे इनकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्यूट टिनी मिनी सी पैकेजिंग है. और आप इसे अपने पर्स में कहीं पे भी ले जा सकते हो और इजिली यूज़ कर सकते हो. मेड इन इंडिया यू नो प्रोडक्ट है. वैसे ये स्वीडन की कंपनी है, बट इसका प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ये मेड इन इंडिया है. तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट. और आपको शेल्फ लाइफ मिलती है 3 ईयर्स की, तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो. और ये विंटर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों. वैसे तो ये सभी सीजन में काम करने वाला है. तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी एंड ईच एंड एवरीथिंग वगैरह क्या है. तो ये इस तरीके से कुछ ओपन होता है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से मिलता है, सील्ड होता है. और इसको मैंने यूज़ किया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है. और आप इसका टेक्सचर, हल्का सा क्रीमिश इसका कलर है, और काफ़ी ज़्यादा थिक भी नहीं कहेंगे, काफ़ी ज़्यादा लाइट भी नहीं कहेंगे, इस टाइप का इसका टेक्सचर है. यू नो आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो, और आपकी स्किन में ना बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाता है. और अगर मैं इसकी स्मेल की बात करूँ, फ्रेग्रेंस की बात करूँ, दिस इज सुपर्ब फ्रेग्रेंस है. जस्ट लाइक मिल्क एंड हनी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर आपने उनका एक भी प्रोडक्ट यूज़ किया होगा इस रेंज में से, तो इस सेम एग्जैक्टली वैसे ही इसकी फ्रेग्रेंस है. सपोज दैट अगर आपने इनका शैम्पू भी आता है मिल्क एंड हनी का, वो भी मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ, बहुत जल्दी उसका भी रिव्यू आने वाला है. और अगर आपने इसका स्क्रब यूज़ किया है, तो
आप इसका समझ सकते हो कि मैं कैसे बताऊं आपको स्मेल, एग्जैक्ट वैसे ही स्मेल है और मुझे इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी लगती है और बिल्कुल भी अननोइंग नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो तो आपको बिल्कुल, कई लोगों को बॉदर नहीं होती है स्मेल, तो ऐसा नहीं है। कुछ देर बाद ये हट जाती है स्मेल, बट बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम सूदिंग कामिंग काइंड की इसकी स्मेल है, इसकी फ्रेग्रेंस है, बहुत ही अच्छी लगती है। और मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से है। आप इसे अपने हैंड एंड बॉडी पे आराम से अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज द टेक्सचर यू कैन सी, और आप जब इसे अप्लाई करोगे ना तो बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाता है और बहुत ही कम टाइम लगता है अब्जॉर्ब होने में, बहुत ही क्विकली अब्जॉर्ब होता है, आपकी स्किन को ना ऑल डे हाइड्रेटेड रखता है। और ये वैसे ना सभी स्किन टाइप के लिए है, मेरी स्किन ड्राई है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इसका फॉर्मूला जो है ना एकदम नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीसी है। कई सारे ऐसे बॉडी बटर आते हैं या बॉडी लोशंस आते हैं जो ऑयली स्किन वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, सो ये उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि आप देख सकते हैं कितने ईजिली इसने अच्छे से हाइड्रेट भी किया है, साथ में बहुत ही क्विकली अब्जॉर्ब, और नॉन स्टिकी फॉर्मूला है दोस्तों इसका, और बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट रखता है आपकी स्किन को। और स्मेल इज माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छी स्मेल आती है और अच्छा है प्रोडक्ट, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बिल्कुल भी ऑयलीनेस नहीं है, जैसे होता है ना कि कुछ प्रोडक्ट लगाने के बाद आपके स्किन पे वो थोड़ा सा ऑयलीनेस, थोड़ा सा ग्रीसी फॉर्मूला लगता है, बट नॉट एट ऑल। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्विकली अब्जॉर्ब हो गया और ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है कि आपने कुछ अप्लाई किया है, बट एट द सेम टाइम बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करती है आपकी स्किन को और मॉइस्चराइज रखती है, होल डे टिका रहता है ये आपकी बॉडी। और ये जो इसका स्मॉल पैक है ना दोस्तों, काफ़ी चलने वाला है और थोड़ा सा ही प्रोडक्ट लगता है और बहुत ही अच्छे से इवनली स्प्रेड आउट हो जाता है और आपके स्किन में डीपली पेनिट्रेट करता है और आपके इसके रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। आप इसे ना कभी भी अप्लाई कर सकते हो, कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि आप इसे मॉर्निंग में ही अप्लाई करो। वेन एवर यू फील द हाइड्रेशन टू योर स्किन यू कैन जस्ट गो विद दिस प्रोडक्ट। जैसे कि दोस्तों आपको पता है मिल्क हमारी स्किन में अच्छे से हाइड्रेशन देता है, आपकी जो कॉम्प्लेक्शन होता है उसको थोड़ा सा फेयरर साइड में लेके जाता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और एट द सेम टाइम हनी भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं होने देता है आपकी स्किन में और एक हाइड्रेशन लॉक करके रखता है। सो ये दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रेयर है और ये ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स में ही देखने को मिलता है। सो दैट्स व्हाई आई रियली लव देयर प्रोडक्ट्स एंड टोटली टोटली अमेजिंग प्रोडक्ट है। अगर इन केस अगर आप लेना चाहते हो सो यू कैन गो विद दिस प्रोडक्ट, आई विल हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट एंड डेफिनेटली यू मस्ट ट्राई दिस वन एटलीस्ट वंस। तो या गाइज आई थिंक ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है सो आप क्या कर सकते हो, जस्ट लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा एज वेल। सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा जाने से पहले, एंड नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मैं फर्दर जो भी वीडियोस लेके आऊँ आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो, और फटाफट से आप मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो या मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच।